नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एसपी के निर्देश पर सितारगंज पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। जहां एक तरफ सितारगंज कोतवाली गांव-गांव जाकर जनप्रतिनिधि और बुजुर्गों से नशे के खिलाफ जनसंवाद कर रहे हैं, वहीं पुलिस ने अमरिया चौक से संदिग्ध प्रतीत होने पर एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास से 301 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। आरिफ पुत्र जमाल जमील अहमद, ये सिसया का रहने वाला है। आज रैंडम चेकिंग के दौरान ऐसा ही धीरेन्द्र परिहार और चंदन सिंह के नेतृत्व में वहाँ चेकिंग हो रही थी, तो अचानक में इसे ये पुलिस को देख कर थोड़ा घबराया और घबराने पुलिस ने इसे पकड़ा। तो इससे रैंडम लगभग 300 ग्राम अवैध चरस बरामद, जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जेल भेजा जा रहा है।